अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज भी मैं आप सबके लिए पुरानी शर्ट से पुरानी जो जेंट्स कमीज़ होती है, क्या इसमें आप अपनी शर्ट भी ले सकती हैं, आप घर में कोई भी पुराना पर्दे का कपड़ा भी यूज़ कर सकती हैं, उससे एक मल्टीपर्पज़ यूज़ बैग बनाना बता रही हूँ। ये हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसको कैसे स्टिच करना है, ये सब मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और स्टार्टिंग में ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, बहुत मेहनत होती है। और अगर आप लोग मुकम्मल वीडियो देख के कुछ सीख सकेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूँगी। अच्छा, ये देखें, मेरे पास एक लॉन की शर्ट थी, मेरा सूट था, लेकिन इसका जो ऊपर से गला था ये ख़राब हो चुका था। अब ये तो ये था कि मैं इसको वेस्ट कर देती, अगर गले का कपड़ा मैं ऊपर से छोड़ दूँ तो जो नीचे का इसका बकिया कपड़ा था वो बिल्कुल ठीक था। तो या तो आप ऐसा कोई कपड़ा ले सकते हैं, या ये है कि आप अपना सर्दियों का कोई सूट ले लें। लेकिन इसकी निस्बत मेरे पास मेरे हस्बैंड का एक तंग हुआ हुआ था, उनको उनकी शर्ट वो सूट पड़ा हुआ था, तो मुझे मतलब उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छा लगा। वो इस वजह से कि इसका कपड़ा मज़बूत है, मतलब ये देखें इसका इतना हार्डली स्टफ़ है, क्योंकि जो जेंट्स के सर्दियों के कपड़े होते हैं इनका कपड़ा काफ़ी मोटा होता है। तो इसको ना जो बगल का कॉलर है मैं यहाँ से कटिंग करूँगी, कटिंग करते हुए ऊपर से कॉलर वाला हिस्सा उतार दूँगी, और इसकी जो साइड्स हैं इनको भी मैं इतना इतना जो है ना एक एक इंच के फासले से इन सबको कटिंग कर लूँगी, ताकि ये प्रॉपर अच्छे से इसकी फिनिशिंग भी हो जाए। और एक्चुअल आपको दो रेक्टेंगल पीस चाहिए, तो ये आप किसी अगर आपके पास शर्ट या वो नहीं है, आप कोई पर्दे का कपड़ा कोई भी आपके घर में बड़ा पीस पड़ा हुआ है, तो आप उसको 30 इंच लेंथ और 20 इंच चौड़ाई के अंदर कोई भी दो रेक्टेंगल पीस ले सकती हैं। बस आपको जो मैं मेजरमेंट्स बता रही हूँ आपने इसी के अकॉर्डिंग ही लेना है। अब ये जो साइड्स हैं यहाँ से मैं 4 इंच के हिसाब से इसको मेजर करके एक निशान लगा लूँगी, और ये जो लंबाई में है ये मैंने 3.5 इंच के हिसाब से ये मैंने छोटे छोटे से निशान लगा लिए। और जो दोनों साइड्स हैं, ये जो मैंने दोनों साइड्स छोड़ी हैं ये मैंने 4 इंच के हिसाब से छोड़ी हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। और ये जो अब ये था इसको मैं लंबाई में ऊपर की तरफ 6 इंच का डिस्टेंस रख रही हूँ, ये जो मैं लाइन लगा रही हूँ ये 6 इंच में है, तो ये 6 इंच की लगा लूँगी मैं। और जो ऊपर वाली है, अब ये जो दोनों लाइनें हैं इनको मैं, अगर आपको ये टेंशन हो कि मुझसे सीधी लाइन नहीं लगेगी, तो आप इस तरीके से इंच टेप रख लिया करें और आप चाक की मदद से लगा लें। चाक का यूज़ ज़रूर किया करें, अगर आप लोगों ने कभी सिलाई नहीं भी की है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा बना लेंगी। अच्छा, अब आपको लेना है 1 इंच के अकॉर्डिंग, इसके अंदर की तरफ आपको इसी तरह का एक बॉक्स बना लेना है, लेकिन ये चारों तरफ से इसका जो डिस्टेंस है वो 1 इंच ही होना चाहिए। अब ये जो हमने अंदर वाला 1 इंच के डिस्टेंस से ये हमने बनाया है, इसको हम कटिंग करेंगे। अब आप सोचेंगे कटिंग कैसे करें, आप इस तरीके से पहले कपड़ा पकड़ें, इसको छोटा सा कट लगा लें, तो यहाँ से अब आपकी कैंची इजीली चल जाएगी और आप अब जो है इसको यहाँ से कटिंग कर दें। ये बहुत अच्छे से आपका कटिंग हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, बस आपने चाक का यूज़ करना है और जो मेथड मैंने आपको बताया है इसी को सेम एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आपने सिलाई नहीं भी की तो आप बहुत अच्छा बना लेंगे। अच्छा, अब ये जो इसके कॉर्नर थे यहाँ पे मैं हल्का हल्का सा कट दे के अब इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्डिंग करते हुए इसको मैं फिनिशिंग कर लूँगी। अच्छा, मैं ये देखें इसको इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। मैं जो सिलाई के सीन्स होते हैं वो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती, कि आप लोग कहीं मतलब परेशान नहीं हो जाएं, कि मतलब बार बार एक ही सीन देखना भी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं आपके साथ सीन के तमाम सिलाई के सीन शेयर किया करूँ तो आप मुझे कॉमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अच्छा, ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया। अब ये ज़िप दो किस्म की आती है, एक तो बहुत मोटी होती है और एक बारीक होती है। जब भी आपको इस किस्म का बैग या इस तरह के कपड़े को लगाएं तो आप ये जो बारीक वाली ज़िप होती है इसका इस्तेमाल किया करें। अब मैं इसको जो नीचे से 20 इंच वाली साइड थी वहाँ पे मैं इस ज़िप को उल्टा रखूँगी, इसको आपने सीधा रख के बिल्कुल अटैच नहीं करना,
इस तरीके से आपने इसको रखना है, और आपने जैसे जिस तरीके से मैंने रखी है सेम आपको ऐसे रखनी है उल्टी, और यहाँ से आपको इसको सिलाई लगाते हुए इसको आपने अच्छे से यहाँ पे अटैच कर लेना है। अच्छा, ये जो ऊपर वाली साइड है ये देखें, यहाँ से ना कपड़ा खड़ा खड़ा सा होता है, इसको कहते हैं बैठवीं सिलाई। तो आप ये जो ज़िप की ऊपर वाली साइड है ना, यहाँ पर भी बिल्कुल ऊपर सिलाई लगा लिया करें, इसके साथ ज़िप बहुत अच्छी फिनिश हो जाती है। अच्छा, अभी हम लेंगे दूसरा पीस, जो हमने रेक्टेंगल पीस के एक पीस पे तो हमने वह अपना प्रॉपर काम कर लिया, अब जो इसकी बैक साइड है हम वो लेंगे, और इसको अब हमने क्या करना है कि अंदर की साइड पे हमारी दोनों साइड्स वो होनी चाहिए जो सीधी साइड हैं, और बाहर की तरफ हमें इसकी उल्टी साइड रखनी है। और अब ये देखें, ये मेरा वो वाली साइड थी, अब मैं दूसरा जो कपड़ा था इसको भी उल्टा इसके ऊपर रखूँगी, और इस तरीके से मैं इसको अटैच कर लूँगी। मतलब अंदर की तरफ हमारा कपड़ा सीधा है, ऊपर की तरफ हमारा कपड़ा पुराना है। और ये देखें, ये जो आया था ना बटन वाला कुछ पोर्शन बीच में आ गया था, इसको मैंने बैक साइड पे कर दिया है कि कोई बात नहीं, अगर हमारी शर्ट में बैक साइड पे आ भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर भी मैंने ये बैठवीं सिलाई लगा दी है ताकि ज़िप जो है प्रॉपर फिनिश हो जाए। अब मैंने 8x3 इंच का एक छोटी छोटी दो स्ट्रिप्स ली हैं, जिसकी लेंथ है 8 इंच और जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। अब मैं इनको मतलब एक अच्छे से फोल्ड करने के बाद इस तरीके से सिंपली सिलाई लगा लूँगी, और ये मेरे पास दो स्ट्रिप्स बन गई। अब ये स्ट्रिप्स आपको लगानी कहाँ है, ये आपको डिस्टेंस लेना है 1.5 इंच का। आप ये देखें, इस तरीके से रखें और देखें कि 1.5 इंच कहाँ आ रहा है, वहाँ पे आप इसको सिंपली निशान लगा लें। दोनों साइड्स पे हम 1.5 इंच के हिसाब से निशान लगा लेंगे, और इस तरीके से अपनी जो हमने लूप्स रेडी की हैं इनको इस तरीके से हम इसके ऊपर रख देंगे। इसमें मैं आपको दो मेथड बता रही हूँ, एक तो मैं आपको लूप्स की मदद से हैंगिंग का बता रही हूँ, और अगर आपको इसको मल्टीपर्पज़ यूज़, जो हमारा बैग है इसको आपने सेफ में किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना हो तो मैं इसमें आपको हैंगर कैसे लगाना है वो भी आपको बता दूँगी, ताकि जहाँ भी आपको ज़रूरत हो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको यूज़ कर सकें। अब मैं क्या करूँगी कि इसकी जो अब ये तीनों साइड्स हैं, इन तीनों साइड्स को मैं सिंपली सिलाई लगा लूँगी अंदर से, बस आपका कोई मुश्किल काम नहीं है, वेरी सिंपल वेरी इजी, बस आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इतनी मतलब मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको पुरानी चीज़ों से कुछ ना कुछ अच्छा आइडिया दूँ, ताकि आपके लिए बहुत एक बेनिफिशियल मेरी ये वीडियो रहे। लेकिन उसके लिए प्लीज़ आप ज़रूर वॉच किया करें मुकम्मल, और हर स्टेप को देखा करें, ताकि आपके लिए भी बनाना बहुत इजी हो जाए। और ये देखें, इतना अच्छा ये आपका मल्टीपर्पज़ यूज़ बैग होगा। वो देखें, वो जो बटन वाली साइड आई थी इसको मैंने बैक साइड पे कर दिया, जब आप इसको हैंग भी करेंगी तो ये नज़र नहीं आएगा। और ये देखें, हमारी ज़िप भी प्रॉपरली लग गई है, और आप इसको बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इसका यूज़ कर सकती हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा, आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगी। और ये देखें, अगर आपको हैंगर का यूज़ करना है ना, तो आप इसको फोल्ड करें, इसका सेंट्रल पॉइंट लें, यहाँ से थोड़ी सी सिलाई खोल लें, यहाँ से आपने हैंगर को निकालने के लिए थोड़ी सी सिलाई खोली, लेकिन उसके बाद मैंने वो सीन नहीं आया, लेकिन मैंने इसकी जो साइड्स थी उनको बाद में मैंने हल्की हल्की सिलाई लगा के पक्का कर दिया था। अब ये देखें, अगर मैं इसको वॉशरूम में इस तरीके से हैंग कर दूं, तो ये मेरा एक बेहतरीन किस्म का लॉन्ड्री बैग बन गया है, जिसको मैंने ज़िप भी लगाई हुई है। और ये देखें, बटन वाली साइड बैक साइड पे ही है, कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, ये बैक साइड पे होगी। और आप देखें कितना मज़बूत कपड़ा था, इसको हमने यूज़ कर लिया। ये देखें, ये अक्सर जो बच्चों के कपड़े पजामे वगैरह होते हैं, जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं, तो वो अक्सर इस चीज़ का होता है कि हम बड़े कपड़ों के साथ वॉशिंग में बच्चों के कपड़े नहीं डालें, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के कपड़े पाक हैं नहीं पाक हैं वो थोड़ा सा होता है, तो आप उनको भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आप अपने घर के तमाम जितने भी आपके धोने वाले कपड़े हैं, आप इसको लॉन्ड्री एरिया में लगा दें, और वहाँ पे आप आराम से अपने इसको एक बेहतरीन किस्म का लॉन्ड्री बैग बना सकती हैं। ऊपर से निकालना चाहे ऊपर से निकाल लें, लेकिन ये देखें, जो हमने ज़िप लगाई थी आप इसको खोलेंगी, ये देखें, ये आपने जितने कपड़े भी इसके अंदर डाले थे ये इजीली आपके निकल भी आएंगे। इसको आप किचन
में यूज़ कर सकती हैं, आप इसमें बच्चों की अगर स्टेशनरी इकट्ठी मंगवा लें आप उसमें यूज़ कर सकती हैं, आप इसको अपनी सेफ में हैंग कर सकती हैं, बहुत सी चीज़ों पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कीजिएगा। अच्छा ये देखें, ये जो शर्ट का बाजू बचा था जो हमने कटिंग कर लिया था, कॉलर वाली साइड उतार दी थी, इस बाजू की मदद से हम अपने जो अम्ब्रेलाज हैं इनका एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लेंगे। इस बाजू को भाई हम क्यों फेंकें, तो आप क्या करें कि यहाँ से आप अपने बाजू की कटिंग कर लें, और इसका ये जो कफ वाला हिस्सा था इसको भी मैं उतार दूंगी, और जो इसकी साइड्स थी इनको भी मैं प्रॉपर फिनिशिंग कर लूंगी, और इनको मतलब यहाँ पे ये थोड़ी सी तिरछी इसकी कटिंग हुई होती है ना, तो मैं इसको थोड़ा सीधा कर लूंगी और अच्छे से इसको मैं शेप दे दूंगी। और उसके बाद सिंपली कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपली आपको इसको सिलाई लगानी है। आपको इसको जो इसकी तीनों साइड्स हैं इनको आपने सिंपल सिलाई लगा देनी है, और जहाँ पे ये आपके बाजू के कफ वाला हिस्सा आ रहा था ना, जहाँ से वो खुला हुआ था वहाँ से पकड़ के पहले आप उसको सिलाई कर लें, फिर जो ऊपर वाला हिस्सा था ये जो बाजू की ऊपर वाली साइड पे था इसको मैं फोल्ड करने के बाद अच्छे से फिनिशिंग कर दूँगी, और सिंपली आप इसको तीनों साइड्स पर सिलाई लगा दें, और ये आपका बेहतरीन किस्म का ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। ये वही बाजू का टुकड़ा है जिसको हम डस्टबिन में डालने वाले थे, और देखें ये कितने अच्छे से बन गया। ये जो मैंने शर्ट की साइड्स कटिंग की थी ना जब, तो ये उसमें से सिलाई किया हुआ ही ये पीस निकला था, मुझे इसमें डोरी भी नहीं बनानी पड़ी, उसी कपड़े को मैंने लिया फोल्ड किया और ऊपर वाली साइड छोड़ के नीचे वाली साइड पे मैंने उसको लगा दिया। इस तरह की जो हुक्स हैं हमारे पास होती हैं, या आपके घर में कोई भी वॉल हैंगिंग हो, या अक्सर हमारी फ्रिज के पीछे जो स्पेस होती है आप वहाँ पे ये छोटी सी और ये लगाएं और अपनी अम्ब्रेला इसमें डालें, और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आप लटका दें वहाँ पे। एक तो ये डस्ट से महफूज रहेगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी, और दूसरा देखें आपका इतना अच्छा सा यूज़ हो जाएगा कि फिर उस दिन की तरह यही बात है कि जब हम लोग इतनी मेहनत करके कुछ ना कुछ तैयार करते हैं और जब उठते हैं और इन चीज़ों को इतना अच्छा खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ देखते हैं तो बहुत खुशी होती है। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।